तालाब में मॉन्स्टर, ये भी कितनी डरपोक है। इस एपिसोड का प्लॉट मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि हम पहले ही ऐसा कई बार देख चुके हैं। एक सी मॉन्स्टर जिसके होने का दावा किया जाता है और कुछ लोग उसे पकड़ना चाहते हैं या फिर उसके अंडों को हथियाना चाहते हैं ताकि वो उन्हें बेच के दौलत और शोहरत कमा सके, पर अंत में वो सी मॉन्स्टर को जो कि इस एपिसोड में है क्रैकन, उसे नहीं पकड़ पाते और क्रैकन का राज एक राज ही रह जाता है। कैरेक्टराइजेशन वाइज भी ये एपिसोड ओके ही था, मतलब जो कैरेक्टर जैसे पिछले एपिसोड में छोड़े गए थे इस एपिसोड में भी वो वैसे ही थे। शॉ और जोना के कैरेक्टर्स भी ठीक ही थे, लेकिन जो क्रैकन दिखाया गया था मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी और पर्सनैलिटी ऐड करनी चाहिए थी, या फिर इसका प्लम्बर्स और ग्रैंडपा मैक्स से भी कोई कनेक्शन दिखाया जा सकता था ताकि इसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके या फिर फ्यूचर के लिए रेलेवेंट बनाया जा सके। पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और क्रैकन बस एक जेनेरिक कैरेक्टर बन के रह गया। ये एपिसोड मुझे विजुअली भी ठीक ही लगा, मतलब कुछ स्पेशल नहीं था। एनिमेशन डिसेंट था, बैकग्राउंड्स भी डिसेंट थे, पर हाँ मुझे क्रैकन का डिजाइन बहुत पसंद आया, स्पेशली उसका फेस और उसके मुंह से निकलते हुए ये टेंटिकल्स। एंड ओवरऑल इसका डिजाइन काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग है, लेकिन पता नहीं ओमनीवर्स में इसे चेंज करके ये क्या ही बना दिया। एनीवेज इस एपिसोड में एक्सेलरेट वर्सेस क्रैकन वाली जो फाइट थी और रिपजॉस का जो पानी के अंदर वाला एक्शन था वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि मैं फिर भी ये कहूंगा कि रिपजॉस का जो पानी के अंदर वाला एक्शन था वो थोड़ा और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। इस एपिसोड में हमें क्रैकन को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि हमें बेंटेन ओमनीवर्स के एक दो एपिसोड में भी देखने को मिलेगा। और इसी एपिसोड में हमें ये भी पता चला कि ओमनीट्रिक्स बेन को हर बार वो एलियन नहीं देता जो कि बेन चाहता है, बल्कि कई बार ओमनीट्रिक्स बेन को कोई गलत एलियन भी दे देता है या फिर सिचुएशन के हिसाब से कोई दूसरा एलियन भी दे देता है। पर क्योंकि ये चीज तुम्हें आगे आने वाले एपिसोड में भी अच्छे से पता चल जाएगी और क्रैकन भी फ्यूचर के लिए कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो इस एपिसोड को आराम से स्किप कर सकते हो। पर अगर तुम इस एपिसोड को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो ये एपिसोड तुम्हें कम से कम बोर तो नहीं करेगा। जब मैंने इस एपिसोड को पहली बार देखा था तो मैंने इसे ज्यादा एंजॉय किया था, लेकिन अब जब मैंने इसे दोबारा देखा तो भी मेरा अच्छा खासा टाइम पास तो हो ही गया। एंड ओवरऑल इस एपिसोड का टोटल स्कोर होता है 4 out of 10। अब हाँ, हो सकता है कि तुम में से कई सारे लोगों को ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन पांचों कैटेगरीज के हिसाब से इसका टोटल स्कोर इतना ही आ पाया, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। बस होप करते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स का स्कोर एटलीस्ट इससे कम ना हो। इतना धोखा तो नहीं खा सकता हूँ।